हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना, शबाना किचन में आपका इस्तकबाल है। आज हम बकरी कुर्बानी के गोश्त का सालन बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, सालन के लिए पतीला रख दिया है। तो अभी तेल, अभी मैं आपको बता रही हूँ, चावल जल रहे थे तो इसको घमेले में ठंडा पानी लिया और फ़ौरन कुकर को उसमें रख दिया। उसका कुकिंग एकदम स्टॉप हो जाता है और चावल गलने के बंद, ये जलने के बंद हो जाते हैं। ये हमारी जिठानी माँ है, दूसरे सेकंड नंबर के। तो आज हम बकरे के गोश्त का सालन बनाने जा रहे हैं। 10 किलो, ये मेरा बेटा है पुलिस में, तो आज हम 10 किलो गोश्त का सालन बनाने जा रहे हैं। हमने इसमें पाव सेर तेल डाला था, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी, और आपको बताती हूँ प्याज डाली थी मैंने, पाव सेर प्याज, उसमें नारियल डाला था। तेल में भून के उसका मसाला बना लिया था और उसको अभी तेल में भूनने के लिए डाल दिया है। तेल में भूनने के लिए डाल दिया है। इसके अंदर अभी मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया डाला है। धनिया अंदाजे से, मतलब आप एक एक दो दो स्पून डाल दीजिए, धनिया पाउडर के 2 स्पून। मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, क्योंकि मसाले का रंग रेड रेड आना चाहिए, तर्री लाल दिखनी चाहिए, तो उसको मैंने 2-3 चम्मच उसके कश्मीरी लाल मिर्च के डाले थे। और अपना मसाला जो होता है ना, सादा मसाला, मसाला गर्म मसाला वगैरह कूट के डालते, उसको भी डाला था मैंने। 5-6 स्पून डाले थे मसाले के, उसमें अदरक लहसुन धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये जो गोश्त है ना गला गया, तो मेरी जिठानी उसमें डाल रहे हैं। ये कम से कम 2 किलो गोश्त है, इसके अंदर डाल देंगे। वो बॉईल किया हुआ है, अच्छे से टूट रहा है, तो सालने में डाल दिया उन्होंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मसाले का जो टेस्ट है ना आ जाए। तो इसको अच्छे से भून लेना चाहिए और जो गोश्त का पानी है ना उसको भी उसमें डाल देना चाहिए। मसाला सालन है ना, अच्छा टेस्टी बनता है। अभी दूसरी जिठानी भी ना गोश्त डालेंगी। देखिए, ये भी 1 किलो है, वो 2 किलो था, ये 1 किलो, ये हो गया 3 किलो, और दूसरा कुकर है उसमें 5 किलो है। कम से कम 10 किलो गोश्त का हम ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं, ठीक है। ये 30-35 लोगों के लिए काफ़ी है, तो आप भी इस तरह से 35-30 लोगों के लिए बनाया कीजिए। देखिए अब इसकी तरी कितनी रेड रेड दिख रही है। अब ये दूसरा कुकर भी डालेंगे बॉईल किया हुआ। वो हमारी सेकंड नंबर की जिठानी है, पकाने में दोनों भी बहुत माहिर है और खाने में भी। तो देखिए, ये अभी डालने वाले 5 किलो गोश्त। मैं ऊपर से ले रही हूँ इसलिए आपको लगेगा कि 5 किलो नहीं है, लेकिन 5 किलो गोश्त है। कुकर काफ़ी बड़ा है, मैंने नीचे साइड से नहीं लिया, ऊपर से लिया वीडियो, ताकि आप लोग भी 30 लोगों का ग्रेवी वाला गोश्त का सालन बना सके, इसलिए मैं इसको वीडियो को डाल रही हूँ। आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे आगे बढ़ाना। देखिए, मेरी जिठानी की बड़ी बहू है और ये छोटी वाली।